राजस्थान का बजट कल वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। अजमेर के लोगों को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। अजमेर वासियों ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योजनाएं बनाकर आमजन को राहत दी जाए, वहीं पेयजल किल्लत झेल रहे लोगों के लिए नई परियोजना लाकर राहत दी जाए। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर रेट में कमी लाई जाए जिससे महंगाई में कमी हो सके। बजट में हम चाहते हैं कि ना कोई भी समस्या हो, जैसे पानी नहीं आता, उसके टाइम पे नहीं आता, हर हमेशा है ना पाइपलाइन टूट जाती है हर कभी, और ना गैस सिलेंडर उसके दाम बहुत ज़्यादा है तो वो भी कम हो, और पेट्रोल डीजल है उनके दाम भी थोड़े कम हो, टाइम पे बिजली वगैरह, नालियाँ हैं जो सही नहीं रहती है उसकी समस्या है, जो मरम्मत सही। बजट से सबसे बड़ी समस्या तो अजमेर में पानी की है। पानी मतलब आए दिन होता है और सफाई गंदगी इतनी रहती है कि अभी 3 दिन पहले नाला बह रहा था, ऐसा है कि जो कि सवार, जबकि VIP रोड मेन दरगाह रोड का हिस्सा है ये। दूसरा उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर भी कुछ सोचेगी और गैस के सिलेंडर के ऊपर भी करने की कोशिश करेगी आम जनता को, जिससे कि इस बजट से हमें यही उम्मीद है कि हमारे राशन में बहुत परेशानी चलती है, वो है कि हमें गेहूँ भी बहुत महंगे मिलते हैं, राशन पूरे अच्छे तरह से नहीं मिल रहा है, वो राशन में हमें सुविधा करवाए, और गैस का सिलेंडर है तो उसमें भी बचत कुछ नहीं हो रही हमारे, उसमें भी बचत की। सरकार के द्वारा जो वेट कल जो बजट पारित हो रहा है उसमें हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से जो बजट पारित किया जा रहा है उसके अंतर्गत आम पब्लिक को उसका समाधान मिले, उसको फायदा मिले। उसके अंतर्गत जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वहाँ प्राइवेट में ना जाके सरकारी विद्यालय में ही पढ़े। दूसरी चीज, जो पेट्रोल पंप पे जो मतलब वेट लागू किया गया है उसको कम किया जाए। पानी की जो किल्लत है अजमेर शहर के अंदर जगह जगह, उसको भी थोड़ा सुधारा जाए, ये हम चाहते हैं।